हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी पुलिस के लिए एमपी जीके देख रहे हैं, ठीक है। एमपी जीके की ये वीडियो है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन सभी वीडियो पर फोकस कर रहे हैं और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, एमपी पुलिस और एमपी जीके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मध्य प्रदेश के पर्यटक, ठीक है। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं और ये सेकंड वीडियो है, बट इसे सेकंड ना समझिएगा, इसमें कुछ अलग लेके ही आए हैं, ठीक है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दे रखा है ओंकारेश्वर, ठीक है। तो ओंकारेश्वर जो है वो कहाँ स्थित है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो खंडवा जिले में यह स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे ओंकार माता का मंदिर है, ठीक है, और इंदिरा सागर बांध यहाँ पर है। इंदिरा सागर बांध जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, उसी के साथ ओंकारेश्वर बांध भी बना हुआ है। ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है और मांधाता अभ्यारण्य जो कि खंडवा में स्थित है, जो कि खंडवा के पश्चिम, मतलब ये निमाड़ के पश्चिम साइड में, ठीक है, पश्चिमी निमाड़ में स्थित है। सफेद सोने का क्षेत्र, मतलब कपास जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ का जो है एक पर्यटक स्थल है, फेमस है, ठीक है। तो ओंकारेश्वर की बात थी। आगे बढ़ते हैं, खरगोन पे आते हैं। तो खरगोन में जो है महेश्वर विद्युत जल परियोजना, ठीक है, महेश्वर में स्थित है महेश्वर विद्युत जल परियोजना, जो कि खरगोन की एक पर्यटक स्थल है। और इसी के साथ राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, जो कि राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र जिसे भी कहते हैं, वो भी यहाँ का एक फेमस है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे है खजुराहो। अगर खजुराहो की बात की जाए तो सबसे पहले इसका प्राचीन नाम आता है, तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है खजूर वाहक, ठीक है। खजुराहो का पुराना नाम आ जाएगा खजूर वाहक, जिला आ जाएगा छतरपुर, ठीक है। आगे है पठार। तो पठार जो है वो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का जो पठार है वहां स्थित है। उससे आगे अगर बात की जाए प्रमुख मंदिर की, तो देखिए प्रमुख मंदिर जो है यहाँ पर कांदारिया महादेव का मंदिर है, उसके बाद 64 योगिनी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, मांगतेश्वर का मंदिर है, इल्हा देवी मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, ठीक है। बहुत से मंदिर यहाँ पर है और ये प्रमुख थे कुछ। फिर आगे विशेषताओं की, तो विशेषताओं जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि 950 से 1050 के जो मध्य में चंदेल राजाओं जो थे, जिसमें यशोवर्धन और अंगदेव थे, उन्होंने मिलकर 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। 85 मंदिरों का यहाँ पे निर्माण करवाया था, जिसमें कि हम अभी प्रमुख मंदिरों को जान चुके हैं, ठीक है। इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो देखिए, देश का सबसे बड़ा जो है अखिल भारतीय नृत्य समारोह यहाँ होता है, ठीक है, अखिल भारतीय नृत्य समारोह होता है। उसके बाद प्रदेश की एकमात्र तहसील जो कि विमान अंतर्राष्ट्रीय सेवा से जुड़ी हुई है, ठीक है। आगे है सन 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यह आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समस्त मंदिर जो है वो पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में स्थित है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में ही समस्त मंदिर जो है वो स्थित है। चलिए आगे है अमरकंटक। अमरकंटक की बात करते हैं, तो देखिए अमरकंटक जो है वो अमरकंटक के अनूपपुर जिले में है अमरकंटक। और इसकी अगर बात की जाए तो देखिए, जिला बताया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को की जैव विविधता सूची में यह शामिल है, ठीक है, यूनेस्को की जैव विविधता सूची थी उसमें शामिल है। यहाँ पर तीन नदियों का उद्गम है, कौन कौन सी नदी है, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है, इन तीन नदियों का यहाँ पे संगम है। यहाँ पे अगर जलप्रपात की बात की जाए तो देखिए कपिलधारा, दुग्धधारा जो कि नर्मदा नदी पर है, ये आप सभी जानते हैं। अमरकंटक जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मेकाल श्रेणी में स्थित है, ये भी आप सभी जानते हैं। माई की बगिया, माई की कुटिया, माई का मंदिर इन्हें कहा जाता है। देश का प्रथम आदिवासी इंदिरा गांधी अमरकंटक विश्वविद्यालय जो है वो अनूपपुर में ही स्थित है, ठीक है। देखिए जिला जो है अनूपपुर है और इसका वर्णन जो है हम देख रहे हैं ये। और यहाँ पे जो है बाण सागर परियोजना है जो कि सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। ये जो है अमरकंटक के बारे में देख रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा सांची,
देखेंगे तो सांची जो है वो रायसेन में स्थित है। अब बौद्ध स्तूप यहीं पर है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में स्थित है, जिसे कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, देखिए इसकी मेन बात आ जाएगी, 1986 में विश्व विरासत यूनेस्को में ये भी शामिल है। ठीक है, यूनेस्को में ये भी शामिल है। उसके बाद जो यूनेस्को का मुख्यालय है उसकी अगर बात की जाए तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेस नगर पर आते हैं जो कि विदिशा में स्थित है। बेस नगर में हेलियोडोस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है क्या है, गरुड़ स्तंभ जो है हेलियोडोस का वो यहाँ स्थित है, और यह शुंग वंश का राजा जो थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदसौर पर आते हैं। मंदसौर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मंदसौर का नाम सुनते ही पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो याद आता है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, एक बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पर बना हुआ, उसी के साथ सूर्य मंदिर यहाँ पर है। शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है और शिवना नदी खुद यहाँ पर एक मुख्य पर्यटन स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मंदसौर की बात हुई, आगे है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी तो बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बसा हुआ पंचमढ़ी है। सर्वोच्च चोटी जो है प्रदेश की वो है दुबगढ़, और उसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। ठीक है, रजत फॉल, सिल्वर फॉल ये जलप्रपात जो है यहाँ पर स्थित है। पांडव गुफाएं यहाँ पर है। बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो यहाँ पर स्थित है। एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचमढ़ी में महादेव पर्वत से तवा नदी का जो उद्गम हुआ है, और पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी अभयारण्य जो है यहाँ का प्रसिद्ध अभयारण्य है। ठीक है, पंचमढ़ी अभयारण्य भी यहाँ स्थित है। तो देखिए आपको ये बातें कुछ थी जो ध्यान रखनी थी, अब इन्हीं बातों से हम कुछ क्वेश्चन जो है इन्हीं पे बेस्ड है उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दुल्हादेव मंदिर कहाँ स्थित है। मंदिर महल के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। दुल्हादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में जो है दुल्हादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए बाघ के संरक्षण के लिए जो है बांधवगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला पर जो है पंचमढ़ी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे, निम्न में से किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा वो है मांडू। ठीक है, मांडू को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किसे प्राप्त है। तो शिवपुरी को जो है प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव प्राप्त है। मांडू में निम्न में से कौन सा महल है, इन चारों में से बताना है। तो देखिए ये चारों महल जो है मांडू के ही महल है, रानी रुकमती महल, अशरफी महल, दाई का महल। ठीक है, ये जो तीनों महल है ये तीनों महल मांडू के ही महल है। आगे है, धार में कालका देवी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो देखिए परमार जो वंश थे, परमारों ने जो है कालका देवी का मंदिर बनवाया था। उज्जैन में प्रसिद्ध जो गोपाल मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए यहाँ पे बायजा बाई जो थी, बायजा बाई ने उज्जैन में जो प्रसिद्ध गोपाल मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, भेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए कलचुरी कलचुरी जो थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, भारत का एकमात्र स्थान जहां पर संयुक्त शिवलिंग है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, ओंकारेश्वर जो है एकमात्र स्थान जहां पर संयुक्त शिवलिंग है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था। तो आप सभी जानते हैं उज्जैन में मंगलनाथ का जो मंदिर है, ठीक है, मंगलनाथ का जो मंदिर है वहां पर हिंदुओं ने प्रथम बार भूगोल को समझा था। आगे विश्व प्रसिद्ध कंकाली देवी का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा शहडोल। ठीक है, शहडोल जिले में स्थित है। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ स्थित है। तो देखिए शिवपुरी में जो है इनकी समाधि स्थित। आगे है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है। तो बरेला में जो है रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दतिया जिले में जो है यह स्थित है।
आगे है, किस वंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनवाया? ठीक है, तो बुंदेल वंश ने जो है ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मंदिर में से कौन खजुराहो समूह से सॉरी खजुराहो समूह के मंदिर नहीं है? ठीक है, तो चित्रगुप्त मंदिर जो है चित्रगुप्त मंदिर जो है वो खजुराहो समूह के मंदिर नहीं है। ठीक है, आगे है, सास बहु मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ग्वालियर में जो है सास बहु मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में से भास्कर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए बालाजी जो है, भास्कर मंदिर कहाँ स्थित है? बालाजी में जो है भास्कर मंदिर स्थित है। प्रोग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो भीमबेटका जो है वहां पर प्रोग ऐतिहासिक शिलाचित्र पाए जाते हैं। आगे है, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति कब घोषित की? तो देखिए अक्टूबर 2010 में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति घोषित की है। ठीक है, आयरिन सरोवर कहाँ है? तो देखिए पंचमढ़ी में जो है आयरिन सरोवर स्थित है। आगे है, भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने जो है भोपाल नगर की स्थापना की थी। लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में जो है लक्ष्मण मंदिर स्थित है। बात की जाए अगर आगे, मांडू को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो शादियाबाद के नाम से मांडू को मुगल काल में जाना जाता था। ठीक है, बरहूत स्तूप निम्न में से कहाँ खोजा गया है? तो सतना में जो है बरहूत स्तूप खोजा गया है। ठीक है, आगे है, इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि मंदसौर जो जिला है वहां पर इंद्रगढ़ पुरास्थल स्थित है। आगे बात की जाए, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा मल्हार राव होलकर ने की थी। ठीक है, ए वाला करेक्ट आंसर है हमारा। निम्न में से किस पुरास्थल में पुरास्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आपको यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा एरन। ध्यान रखना है एरन जो है वहां पर सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? सॉरी राज्य आ गया यहाँ, ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा महादजी सिंधिया ने। ठीक है, महादजी सिंधिया ने जो है ग्वालियर की स्थापना की थी। आगे है, निम्न में से किस गुफा को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन को हमने 3 से 4 बार पढ़ लिया है कि भीमबेटका की जो गुफाएं है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2003 में। बैस नगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? तो भागवत धर्म जो है उससे संबंधित है। ठीक है, कौन बैस नगर का गरुड़ स्तंभ जो है वो भागवत धर्म से संबंधित है। चलिए आगे, निम्न में से किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के दो शिष्यों की अस्थियां रखी हुई है? ठीक है, दो महात्मा इसे हमने ऊपर पढ़ा है, महात्मा बुद्ध की जो दो शिष्य की अस्थियां रखी हुई है वो कहाँ पे है तो हमें बताना है। तो देखिए सांची में जो है महात्मा बुद्ध के दो शिष्य की अस्थियां रखी हुई है। ठीक है, आगे अगर बात की जाए, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर जो है स्थित है। मारा की जो गुफाएं हैं वह किस जिले में स्थित है? तो सिंगरौली जिले में मारा की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जो हैंगस्तान था वो किस स्थल का उसने जो है किस स्थल का भ्रमण किया था? तो महिष्मती का जो है चीनी यात्री हैंगस्तान ने भ्रमण किया था। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए एमपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी की, मैथ्स की, रीजनिंग की, करंट अफेयर की, एमपी पुलिस के सभी पुराने पेपर जो 2017 में हुए थे और एमपी जीके की, इन सभी की वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स में अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो एसडी यादव और आरएस अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन जो है हमने करवा रखा है तो आप उसे भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।